वालेकुम मेरा नाम मारिया ताहिर है मेरा त्लु भिम्रजाद कश्मीर से है मैंने गेंगरेप ब्लैक मेलिंग और अखबार राय तवान जैसे अजाब झेले हैं 2015 से इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हूँ मेरे मुलजिमान में हारून रशीद मामून रशीद जमील शफी वकास अशरफ सनम हारून और तीन नाम शामिल हैं पुलिस के पास जाती हूँ तो पुलिस पंचायत के हवाले कर देती है पंचायत जिसकी लीडिंग आज़ाद कश्मीर का सीनियर वजीर चौधरी तारीख़ फ रूखा भाई और बहनोई करता है उन्नीस दिन तक पंचायत चलती है मुलजमान मानते हैं कि हमने सब कुछ किया उसके बावजूद पुलिस और पंचायत हमसे इन तीन जराइम का गन पॉइंट पर राजीनामा लिखवा लेती है दोबारा पुलिस के पास जाती हूँ तो पता चलता है कि एफ तो हो गई एक नहीं दो दो एक मेरी तरफ से और दूसरे मुलजिमान को तहफ़ फराम करने के लिए पुलिस खुद से काटती है मेरी एफ आई आर को खारिज कर दिया जाता है और मुलजमान के तहफ़ के लिए काटी गई कमज़ोर सी एफ आई आर को रख के उसके मुताबिक सिर्फ दो मुलमान को गिरफ्तार किया जाता है जब मैं मीडिया लेके हवालत में जाती हूँ तो वो दोनों मुलजमान जो हैं वो हवालात में नहीं होते बल्कि सब इंस्पेक्टर के रूम में सो रहे होते हैं मुझे इंसाफ ना मिलने की सबसे बड़ी वजह आज़ाद कश्मीर का सीनियर वजीर चौधरी तारिक फरूक है जो कि मुलजमान की बनाई करता है मुलजिमान जिनका माजी आ, सरकारी इमारतों पर हमला करना डी सी एस पी को उनके ऑफिस में यमाल बनाना लड़कियों से रेप ब्लैक मेलिंग और बाद में उन्हें ज़िंदा जला देना लड़कों तक से रेप गरीब लोगों की जायदादों पर कब्जा और बेगुना शहरीों का कत्ल शामिल है साढ़े चार साल हो गए शरीयत कोर्ट मीरपुर में अपील चल रही है लेकिन उस पर कोई समात नहीं हो रही बल्कि बजरिया पुलिस हमें ही इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है आज़ाद कश्मीर के हर फॉरम तक गई हूँ लेकिन मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिला अब जबकि मैंने बाकायदा तौर पर एक कंप्न स्टार्ट की है